मम्मीज किचन में आपका स्वागत है। आज बना रहे हैं भरमा लाल मिर्च का अचार। अचार बनाने के लिए चाहिए सौंफ, दरदरी सौंफ कुटी हुई, नमक, सरसों का तेल, साबुत धनिया, मेथी दाना, खटाई, हल्दी पाउडर, राई, लाल मिर्च पाउडर, अजवाइन, सिरका और लाल मिर्च। लाल मिर्च को अच्छे से धो करके और फिर उसके बाद कपड़े से पोंछ करके 2 घंटे के लिए सुखा लें, जिससे कि बिल्कुल भी पानी मिर्च में ना रहे। सबसे पहले सरसों का तेल गरम करेंगे। ये करीब 1 कप सरसों का तेल है। इसको धुआं उठने तक गरम करना है। अगर आपको मेरे द्वारा बनाई गई रेसिपी पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और शेयर करें वीडियो को। ऑयल गरम हो गया है। ऑयल को गैस पे से हटा लेंगे। एक फ्राई पैन रखेंगे गैस पर, गैस को स्लो ही रखेंगे। और ये मेथी दाना है 1 टीस्पून, 1 टीस्पून अजवाइन, 1/4 कप के करीब साबुत धनिया है और सबको रोस्ट कर लेंगे। बहुत ज़्यादा देर तक नहीं भून रहे हैं, करीब 1 मिनट तक ही मसालों को रोस्ट करना है। 1 मिनट हो गया है मसालों को भूनते हुए। हमें मसालों का कलर चेंज नहीं करना है। मसालों को पीस लेंगे। मसाले को एक बॉल में कर लेंगे। 1/3 कप राई है, राई को भी पीस लेंगे। राई भी पिस गई है, राई को भी एक बॉल में कर लेंगे। अब जो गरम तेल किया था उसमें हम डाल देंगे सौंफ। ये 1/2 कप सौंफ है। जो हमने रोस्ट किया था मसाला उसको डाल देंगे। राई डालेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हल्दी पाउडर डालेंगे 2 टीस्पून। 2 टीस्पून रेड चिली पाउडर डाल रहे हैं। अगर आप चाहें तो 1 टीस्पून, या ना डालना चाहें तो ना डालें। 2 टीस्पून खटाई और टेस्ट के अनुसार नमक। अचार में नमक थोड़ा सा ज़्यादा पड़ता है। 3 to 4 टेबल स्पून नमक डाला है। इसको भी मिक्स कर देंगे। मसाला भरने के लिए तैयार हो गया है। अब मिर्चों को काट लेंगे। जो डंडी है डंठल मिर्च का उसको हटा देंगे और इस तरीके से काट लेंगे। दोनों तरफ से नहीं काटनी है, 1/2-1/2 नहीं करनी है मिर्च को। और इसी तरीके से सभी मिर्चों को काट लेंगे। सभी मिर्चें कट गई हैं। जो ऑयल में मसाले को मिलाया था उसमें करीब 1/4 कप सिरका डाल देंगे और सिरके को अच्छे से मिक्स कर देंगे। ध्यान रहे कि गरम तेल में सिरके को ना डालें। बिल्कुल जब तेल ठंडा हो जाए उसके बाद सिरके को डालें। अब इस मसाले को मिर्चों में भरेंगे। अच्छे से मिर्च में भरने के बाद जो एक्स्ट्रा मसाला होगा वो इस तरीके से हटा देंगे और एक बॉल में रख दिए जाएंगे। अगर आपको मेरे द्वारा बनाई गई रेसिपी पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और शेयर करें वीडियो को। सभी मिर्चें भर गई हैं मसाले से। अगर मसाला बचे तो आप मिर्चों के साथ ही मसाले को भी डाल दें। एक कांच की पोट में मिर्चों को भर दें और साथ में मसाले को भी डाल दें। 15 से 20 दिन में मिर्चें खट्टी हो जाएंगी
और अचार तैयार हो जाएगा खाने के लिए। 2-3 दिन के लिए मिर्च को 2-3 घंटे के लिए दिन में मिर्च को धूप में रख दें, जिससे कि मिर्चें खराब ना हो। आप इस मिर्च के अचार को 1 साल तक पोट में भर करके रख सकते हैं। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और कमेंट करें कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी, और शेयर करें रेसिपी को। स्टे हैप्पी एंड कीप कुकिंग। थैंक यू।